बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जोन में खुश आमदीद कहते हैं नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने इस चैनल को ताकि मालूमती वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, हमने एहतियाती फंगस की थी लेकिन इसके बावजूद भी हमारे खेत के अंदर ये सिचुएशन बन गई है। ये मसला ऐसा जो है वो काबिले ज़िक्र और काबिले तवज्जो तलब है कि हमने वो फील्ड ढूंढे जहां पर जनवरी के आखिर में चौथे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में जिन लोगों ने एहतियाती स्प्रे किए थे वहाँ पर खेतों में दोबारा क्या सिचुएशन है। तो हमने तीन प्लाट ऐसे विज़िट किए जिसमें दो ऐसे हैं जिनमें हमने अपनी आँखों के सामने स्प्रे होते देखे हैं, और ये सारे के सारे तीनों प्लाट्स के ऊपर जनवरी के तीसरे हफ्ते में स्प्रे हुआ था। लेकिन जब आप मार्च के पहले हफ्ते में जाते हैं तो वहाँ ये सिचुएशन देखी है, क्योंकि ज़िम्मेदार तो जो बिल्कुल रिलैक्स हो गया था कि हमें अब हमारे यहाँ फंगस का अटैक नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि जो है वो फंगस ने कोई पूछ के थोड़ी आना है। इस सारे की सारी वीडियो में बताने का मकसद यह है कि हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जो आपने फंगस का स्प्रे किया वो कितने दिन तक कारआमद रह सकता है। तो लिहाजा दोस्तों, फरवरी में हम नहीं देख सके लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में हमने ज़रूर विज़िट किया, तो वहाँ इन तीनों प्लाट के अंदर आपको ब्राउन रस्ट का ख़ास तौर पर और जो है वो हमला देखने को मिला है। तो हमने जो है दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कि एहतियाती फंगस करने का आपको उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आपके खेत में टारगेट मौजूद ना हो। तो लिहाजा हर बीमारी का एहतियाती स्प्रे हल नहीं होता, तो कोशिश करें अपनी गंदम की फसल का बाकायदगी के साथ मुआयना जारी रखें, ख़ास तौर पर जनवरी के आखिर में से शुरू होकर फरवरी के एंड तक। इस दौरान अगर रस्ट का हमला होता है तो तब आपको उसकी रेमिडेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज बिला वजह या बिला किसी ज़रूरत के आप ऐसे एहतियाती स्प्रे कर देंगे तब भी जब रस्ट का हमला आएगा, क्योंकि आपकी फंजीसाइड का असर जो है वो 15 से 20 दिन के बाद ज़ायल होना शुरू हो जाता है और हो सकता है कि आप महीना भी वो फंजीसाइड ना निकाल ले, तो आप बेफिक्र होकर घूम फिर रहे होंगे और आपके खेत में बीमारी आ चुकी होगी। दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा आज की इस वीडियो को देखने के बाद। अल्लाह हाफिज़।